तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 14 बोले तो आर्क प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। बड़ा ही मस्त चैप्टर है, बेसिकली एक्सरसाइज है, छोटा सा बच्चा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, चुन्ना सा, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के माइंड में। अब बात आती है कैसे। देखिए, इससे पहले एक और वीडियो दिया हमने आपको, जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व्ड एग्जांपल्स। हालांकि ज्यादा एग्जांपल्स नहीं थे, ज्यादा कंसेप्ट नहीं थे, बट इसमें यूज है। अब बात आती है इसमें जो कंसेप्ट दे रखा है उसके अलावा भी यूज है, उससे कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी यूज है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के साथ डिस्कस किया था। बात आती है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो यहां पे आने का कोई बेनिफिट जो है आपके साथ नहीं होने वाला है। तो आइए कुछ चीजें बेसिक कंसेप्ट की थोड़ा सा मैं याद भी दिला देता हूं। हालांकि पिछली वाली वीडियो देख ही लीजिएगा, तभी ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा आपको, बेनिफिट रहेगा। तो पहला जो आपके पास कंसेप्ट था वो ये था कि सर्कल है, कोई सा भी एक आर्क चूज कर लीजिए, यहां से लेकर यहां तक, लेट से ए से लेकर बी तक। मैं आर्क की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं आर्क की बात कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर इसने सेंटर पे कोई सा भी एंगल बनाया हो, लेट से सेंटर पे मान लीजिए सेंटर है ओ, यहां पे कोई सा भी एंगल बनाया, लेट से एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री का, तो इसी आर्क ने रिमेनिंग पोर्शन पे, ये जो आर्क है उसको छोड़ दीजिए, और इसी आर्क से रिमेनिंग पोर्शन पे कहीं पे भी एंगल बना हो, इस तरह से कहीं पे भी, इधर इधर भी बन सकता है, इसी आर्क से बनना चाहिए, कहीं पे भी बना दीजिए इस तरह से, इस तरह से। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गए, ये सारे के सारे एंगल जो है वो आधा होगा, हाफ होंगे किसके, जो सेंटर पे एंगल बना है उसके, खत्म बात, ठीक है। मतलब सेंटर पे एंगल हमने बना दिया है 60 का, 60 का, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सारे के सारे एंगल आपको मिलकर मिलने वाले हैं 30 डिग्री का, बोले तो हाफ। और सिंपली आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग पोर्शन पे जितना एंगल बनता है उसी का डबल होता है अगर वही आर्क सेंटर पे एंगल बनाए तो। वही सिंपल से बात है, इधर 30 का बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कमफ्रेंस। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मैं ये जो आर्क था उसका साइज जो है मैं बड़ा करते जा रहा हूं। अच्छा, एक चीज और यहां पे नोटिस कीजिए, यहां पे एक और थ्योरम आ जाता है। एक तो पहले बता दीजिए सेंटर पे बनेगा डबल एंगल होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन से रिमेनिंग पोर्शन में बना होगा उसके, लेकिन एक और क्या होता है, देखिए ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, सारे के सारे 30-30 निकल के आ रहे भैया। हम अगर एक आधे और भी बना दें यहाँ पे तो वो भी 30 का निकल कर आ जाएगा, ये भी 30 का निकल के आ जाएगा, ये भी 30 का निकल कर आ जाएगा, तो यार इसको तो कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो इसको जो हम नाम देते हैं वो होता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। आइए अब आगे की बात करते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की क्या कहानी रहती है भाई। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट की जो कहानी रहती है वो ये रहती है कि अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, और इसी सर्कमफ्रेंस इसी से ही इसी आर्क से बेसिकली ये एंगल भी बना है और ये वाला भी एंगल बना है, तो ये एंगल दोनों किसके होंगे, इक्वल होंगे, इस वाले एक्स के तो हाफ होंगे, मतलब एक्स बाई टू, और ये भी एक्स बाई टू, ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब ये जितने भी ऊपर वाले एंगल्स वाले इक्वल बताए ना, उसी को कहा जाता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एक कोड बना देता हूँ तो ये एक छोटा वाला सेगमेंट बोला जाता है, और ये पूरा का पूरा क्या कहा जाता है, बड़ा वाला सेगमेंट कहा जाता है। तो सेम सेगमेंट में है ना या पूरा का पूरा, इसीलिए यहाँ पे भी अगर मैं बना देता हूँ तो ये छोटा वाला सेगमेंट, ये बड़ा वाला सेगमेंट, तो सेम सेगमेंट जब लाइक करता है तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, हमेशा ही इक्वल होते हैं। चलिए, ये तो एक कंसेप्ट बोल सकते हैं कि दो थ्योरम बता दिए हमने आपको, तीसरे की ओर लेकर चलता हूं। ये जो आर्क था इसको मैं साइज में बड़ा कर रहा हूं, और इतना बड़ा कर देता हूं कि इसको मैं डायमीटर बना दे रहा हूं, समझिएगा, इसको मैंने डायमीटर बना दिया, इस तरह से बना दिया डायमीटर। यहां ए है, यहां पे बी है, समझ में आ रही है ना बात, मैंने इसको क्या कर दिया, डायमीटर बना दिया।
यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर है। वैसे ये पॉइंट यहाँ था, मैंने ऐसे खींच करके इसको डायमीटर बना दिया। अब अगर मैं इधर कोई सा एंगल बनाता हूँ तो इस वाले एंगल के हाफ होगा ये, ऑफकोर्स सेम ही कंसेप्ट भाई, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने यहाँ पे। अगर मैंने ये वाला यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा था, इसको मैंने ऐसे कर दिया था, ये लाइन स्ट्रेट लाइन बन गया था, 180 डिग्री का बना लेगा एंगल, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया 180 का। तो इधर रिमेनिंग पोर्सन पे इस आर्क को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग पोर्सन पे जो एंगल बन रहा है क्या होगा, इस एंगल का हाफ होगा, तो ये कितने का होगा 90 होगा। यहाँ से आप ऐसे बना दीजिए तो ये भी कितने का होगा 90 होगा। चाहे आप कितने ही इधर बना लीजिए कितने का होगा 90, चाहे आप इधर से बना लिए वो भी 90 होगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये 180 तो इधर रिमेनिंग पोर्शन भी तो अपने पास 180 का बचा ना, रिफ्लेक्स एंगल जो बचा कितने का बचा 180 का बचा, तो इधर से भी 180 का देखेगा। तो इधर से अगर नोटिस कर रहे तो इधर वाला एंगल नोटिस करेंगे तो ये भी आपके पास कितना रहेगा 90 का रहेगा। और इसको कहा जाता है एंगल्स इन द सेमी सर्कल। बोलिए समझ में आई अपनी बात, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। तो ये हो गए वो एक्स्ट्रा वाले कंसेप्ट जो हम यूज करेंगे इसमें। बाकी सर्कल वाली चीजें मैं आपको एक चीज बता ही रखा है, सेंटर से अगर मैं किसी भी कोण पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, या फिर अगर वो बाइसेक्ट करे तो ये परपेंडिकुलर होगा। और इसको प्रूव करने के लिए मैं ऐसे ज्वाइन करके इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके सीपीसीटी से हम दोनों चीजों को बोल देते थे, एक चीज दिया होता तो दूसरी चीज हम बोल देते थे कि सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगा, और अगर बाइसेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर होगा। ये चीजें हमने आपको प्रूव में करवा रखा है। और नाइन्थ क्लास में इस वाले एक्सरसाइज में जो आपके पास थ्योरम्स गिवन है कि आर्क जो होंगे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, तो ये पिछली वाली वीडियो में सारी चीज़ें तो बता ही दिया है एक तरह से लगभग लगभग प्रूफ के साथ, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करता हूँ, एक मिनट और लूँगा मैं बस। आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसका हाफ होगा ये वाला, और ये उतना ही होगा आपके पास ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वाले आर्क ने सबटेंड करा, या फिर कह सकते हैं इस वाले कोण ने सबटेंड करा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बस एक चीज समझिएगा, अगर ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का कोण था तो इसने इतना करा होगा। अगर मैं इसी सर्कल में या फिर एक और सर्कल में मान लेते, चलिए इसी में ले लेते हैं, यहाँ पे ये भी ये वाला भी क्या कर देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर का ही कोड लेता हूँ, तो ये वाला आर्क और ये वाला आर्क तो इक्वल हो गए ना एक तरीके से, क्योंकि कोड इक्वल है आपके पास पता ही है। अब यहाँ से सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो यार सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो तो इक्वल होंगे। बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि आपके पास जो कोड है वो इक्वल, आपके पास जो आर्क है वो इक्वल है ना। इस चीज़ आपको नाइन्थ क्लास के पिछली वीडियो में इसी चैप्टर में आपके पास ये तो श्योरली गिवन ही आपके पास। तो अगर आर्क इक्वल रहते हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर रिमेनिंग पोर्शन पे अगर इस तरह से बनाता हो ये वाला एंगल, या फिर यहाँ से ऐसे ये वाला बनाता हो, तो बात तो एक ही पड़ेगी ना, क्योंकि इक्वल कोड थे, इक्वल कोड थे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफेरेंस। फिर से समझ लीजिए, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफेरेंस। समझ में आती बात, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस में ये वाला एंगल आपके पास इक्वल ही होने वाला है, क्योंकि कोर्ड्स दोनों क्या थे आपके पास इक्वल थे, आर्क दोनों के क्या थे आपके पास इक्वल थे, तो इक्वल आर्क्स कह दीजिए, नो प्रॉब्लम, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफेरेंस, खत्म बात। तो कहीं ना कहीं हम इससे ज्यादा यूज कुछ भी नहीं करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, तो चलिए हवा में बनाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को फटाफट, 10 के 10 क्वेश्चन है, इसी के इसी वीडियो में ही लपेट देंगे आधे घंटे में। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। कहा जाता है इन द गिवन फिगर आर्क एसी एंड आर्क बीडी, तो फटाफट पहले फिगर बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे आपके पास, आपके पास सर्कल है आर्क एसी, आर्क एसी, पहले तो फिगर ऐसे गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऐसे मिलाया हुआ, बस यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है। आपके पास गिवन है कि आर्क जो एसी है वो इक्वल है आर्क बीडी के, आर्क बीडी के। तो हमें प्रूव करना है जो कॉर्ड एडी है, एबी है, वो कॉर्ड सीडी के पैरेलल है, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज पैरेलल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। कब? जब हमें ये चीज गिवन है आर्क एसी इज इक्वल टू आर्क बीडी, तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला,
ये दोनों ही आर्क क्या रहेंगे आपके पास इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये क्या आपके पास पैरेलल है। देखिए अगर ये पैरेलल है तो इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन मानकर चलेंगे, है ना, वैसे है नहीं, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम क्या करेंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। जैसे हमने इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, हम सीधा बोलेंगे भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसीलिए ए बी जो है वो सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा, खत्म, बात हो गया प्रूव। तो कोड ए बी विल बी पैरेलल टू कोड सी डी, हेंस प्रूव्ड। अब बात आती है यहां पे ये कि कैसे करें, देखिए समझिएगा। अब आर्क एसी ये देख रहा है और आर्क बीडी ये देख रहा है, दोनों आर्क इक्वल है। तो आर्क से अगर मैं सर्कमफ्रेंस पे, इस पे नहीं रिमेनिंग पार्ट पे कहीं पे भी बनाता हूं तो ये वाला एंगल और यहां से भी यहां से ये वाला एंगल देख लीजिए, जैसे ये सर्कमफ्रेंस पे बनेंगे यानी। अब यही तो बताया था, अभी यही तो बताया था मैंने आपको कि इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सर्कमफ्रेंस। लीजिए बस यही लिखना है आपको, आपको लिखना है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। समझिएगा मैं बता देता हूं कैसे लिखना है, x इज इक्वल टू y, रीजन में लिखना है इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। उसके बाद लिखना है दिस एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर कोड ए बी इज पैरेलल टू कोड सी डी, हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की कहानी। सेकंड पे आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कई दिनों के बाद बोले तो 3 से 4 दिन के बाद थोड़ी सी तबीयत आज ठीक हुई है, कल ही ठीक हो गई, वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आज थोड़ी और भी ज्यादा ठीक हो गई, तभी मैं सुबह सुबह ही लग चुका हूँ। आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जाता है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, नहीं आया मेरे पढ़ा हुआ तो आप खुद पढ़ लीजिए भाई। आइए मेरे को समझ में आ गया, मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास कहा जाता है कोई सा भी एंगल बन रहा है सेंटर पे, कोई सा भी एंगल बन रहा है सेंटर पे, लीजिए ये वाला एंगल है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 60 डिग्री का, लेकिन मैं वैल्यू नहीं लेता हूं, है ना, मान लीजिए, अज्यूम करना है आपको, बस मान लेते हैं ये एक्स डिग्री का है। अब कहता है इस आर्क के, ये ए है ये बी है, इस आर्क के, ध्यान दीजिएगा, इस आर्क के अगर मिड पॉइंट से हम एक रेडियस ज्वाइन करते हैं सेंटर पे ही, तो वो सेंटर वाले एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकल जाएगा, चिड़ता फाड़ता निकल जाएगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है, बाइसेक्ट करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना। आइए बताते हैं, तो यहां से फटाफट यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बोले तो रेडियस ज्वाइन कर देंगे, और इस पॉइंट को लेट से हमने सी बी पी ए टू जेड कुछ भी नाम दीजिए, ए और बी को छोड़ के, खत्म बात, ठीक है। चलिए यहां पे सेंटर की नेमिंग कर दीजिए ओ। हमें अब ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है, क्योंकि जैसे मैंने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया, मैं सीधा बोलूंगा भैया बस ये जो पी ओ है वो सीधा बाइसेक्ट करता हुआ निकल जा रहा है ना, बाइसेक्ट में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ निकल जा रहा है। अब बात आती है कैसे प्रूव करें भैया, तो आइए हम समझाते हैं। ये वाला आर्क देखिए और ये वाला आर्क देखिए, आप बोलेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, बताइए, देयरफोर एपी का जो आर्क होगा वो इक्वल होगा पी बी के आर्क के, बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना। तो एपी जो आर्क होगा वो इक्वल होगा पी बी आर्क के, अच्छा आर्क जब इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है यार, यही तो थ्योरम में प्रूव करवाया पिछली वीडियो में, इसी चैप्टर में दिया हुआ ये चीज आपके पास, है ना। तो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, बोल दीजिए एओपी इज इक्वल टू बीओपी, हेंस पीओ बाइसेक्ट, और यू कैन से रेडियस बाइसेक्ट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो आपको प्रूव करना था हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलिए यार ये मिटता नहीं है बहुत जल्दी जल्दी, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क, पहले मैं फटाफट यहां पे बना देता हूं फिगर इस तरह से, है ना। उसके बाद हमारे पास यहां पे एक ऐसा है, यहां पे कहीं ना कहीं पे सेंटर है, ये ओ का नाम दिया हुआ है, यहां पे एक पॉइंट है इस तरह से है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, यहां पे पी है,
जिसने पिछली वाली वीडियो देखी है उसको तो मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही की चीजें, जिसने नहीं देखी उसको ऊपर से जा रहा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे भी हमने आपको कुछ कुछ चीजें बताई दी है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें कहा जाता है गिवन फिगर पी इज द मिड पॉइंट। अब समझ लीजिए, दिमाग यहीं पर लगा दीजिए, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी को कहा गया है। तो ए से लेकर बी तक का अगर पी जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए से लेकर पी तक का आर्क और पी से लेकर बी तक का आर्क, ए से लेकर पी तक का आर्क और पी से लेकर बी तक का आर्क इक्वल होगा। अच्छा, अगर ये और ये इक्वल होंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपके पास इक्वल हो जाएंगे, खत्म बात। आगे चलिए, अब हमसे यहां पे ये कहा जाता है कि प्रूव दैट पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये जो PM है वो परपेंडिकुलर है। तो आप कुछ मत कीजिए, यहां से यहां पे ऐसे ज्वाइन कीजिए, यहां पे ऐसे से ज्वाइन कीजिए, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को प्रूव कर दीजिए, क्या कॉन्ग्रुएंस, क्या कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट अभी तक हमने आप 9th क्लास में आपको सिखाया ही नहीं है ना। चलिए, तो ए से लेकर पी तक और बी से लेकर पी तक, ये वाले इन सारी चीजों पर ध्यान देना। अब देखिए, ये ना ये हमारे पास क्या कर रही है, ये वाला हमारे पास क्या, आपके पास मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज देखने को मिलेंगे, उस चीज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, ये तो परपेंडिकुलर है, ऐसा ही प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला आर्क तो इक्वल है, अच्छे से देख लीजिए, है ना, ये वाला आर्क इक्वल है, ये वाला आर्क इक्वल है। जब आर्क इक्वल होते हैं तो कोण भी इक्वल होते हैं, क्योंकि सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या आपके पास इक्वल है। वैसे सिंपलिसिटी प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की भी जरूरत नहीं। आइए मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये वाला इक्वल है, तो अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ, इसको भी एक्स मानूंगा, तो मैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 कह सकता हूँ ना, लीनियर पेयर से, बोलिए हाँ या नहीं, है ना। तो एक्स एक्स टू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया एक्स की वैल्यू 90 डिग्री, हेंस बोल दीजिए पीएम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका, सिर्फ इतना करना था आपके पास, बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। चलिए दूसरे में कहता है पीएम प्रोड्यूस पास थ्रू द सेंटर ओ। अब कहता है अगर मैं पीएम को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो सेंटर ओ से पास होगा, ऐसा आपको प्रूव करना। एक बात बताइए आप मुझे, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑन एनी कोड है ना पासिंग थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट। तो पहले हमें बाइसेक्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी बेसिकली, तो उसके लिए इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ही पड़ेगा फिर से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख लीजिए ये हमारे पास 90 डिग्री है, हमने प्रूव कर दिया है ना, ये हमारे पास इक्वल है, ये वाला हमारे पास कॉमन है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रुएंस का रूल प्लीज पढ़ लीजिए 8वें चैप्टर से ट्रायंगल वाले से, क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंस के हम कभी मतलब किसी भी चैप्टर में ये घुस जाता है भाई, इसके बिना काम नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनियस एक साइड इक्वल है, राइट एंगल भी है, आरएचएस से हो जाएगा। आरएचएस से प्रूफ करने के बाद आप बोलेंगे सीपीसीटी से एएम बीएम इक्वल है, सीपीसीटी से एएम इज इक्वल टू बीएम। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है वो पास हो रहा है, दैट इज बाइसेक्टिंग द कोड एंड आर एट 90 डिग्री, देयरफॉर इट विल पास थ्रू द सेंटर। फिर से सुन लीजिए, कोई भी लाइन होता है अगर वो सेंटर से पास होता है और वो परपेंडिकुलर है तो कोड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, अगर वो कोड को बाइसेक्ट करता है और वो परपेंडिकुलर होता है तो सेंटर से तो पास होगा ही होगा, ठीक है ना, उसका कन्वर्स है और कुछ नहीं। ये चीजें थोड़े ना पहले ही करवा रखी है हमने आपको, किसी और चैप्टर में करवा रखा है, तो ये हो गया आपके पास सर्कल वाले चैप्टर में, है ना। आगे चलते हैं, कहता है पीएम विल बाइसेक्ट द मेजर आर्क ए बी, ए से लेकर बी तक जो ये वाला आर्क है उसको भी बाइसेक्ट करेगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम बोलेंगे ये डायमीटर है भैया, ये क्या आपके पास डायमीटर है, ये वाला इक्वल है ये, हम सीधा बोल देंगे ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स है तो ये वाला पूरा वन स्ट्रेट लाइन ये तो डायमीटर का काम करेगा। तो एक्स हटा दीजिए, ये कितना भी होगा है ना, वैसे ये परपेंडिकुलर होंगे 90 होंगे, ये 90 ये 90, तो ये भी 90 बचेगा और ये भी 90 बचेगा, 90 डिग्री है तो ये वाला आर्क क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर वाला एंगल इक्वल है। यहाँ पे आप सिंपली बोलेंगे कि सेंटर वाले एंगल्स इक्वल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर इक्वल, देयरफॉर दिस आर्क विल बी इक्वल टू दिस आर्क, देयरफॉर यहाँ पे कुछ भी पॉइंट कर दीजिए, क्यू विल बी द मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए बी, मतलब उसको भी बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा। तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, इतना यहाँ से यहाँ तक पोर्शन क्या होंगे इक्वल, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना, तो चलिए कहानी को हम आगे ले जाते हैं और फटाफट आगे के भी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट मी चेक टाइम कितना हुआ, मेरे को 9 बजे जाना है अभी,
टाइम है थोड़ा सा, तो बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके तो तीसरा क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन अ साइक्लिक ट्रेपेजियम द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। साइक्लिक, ये देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है इनमें। एक कहता है साइक्लिक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम वो होते हैं जिनके वन अपोजिट पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब ये और ये क्या आपके पास पैरेलल है। तो इसको अगर मैं ए बी सी डी की नेमिंग करूं तो आपके पास गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये चीज आपके पास गिवन है, ये दोनों लाइन क्या आपके पास पैरेलल है, ऐसा ये तो हो गया। लेकिन हमसे ये बोला है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड वो क्या है आपके पास, वो क्या है आपके पास, जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूव करना है ये चीज तो गिवन है और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो ये वाला और ये वाला प्रूफ करने के लिए इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, सीपीसीटी से इसको इसको बोल दीजिए, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन, समझ में आते नहीं बात, ये और ये बोल दीजिए सीपीसीटी से, सिर्फ 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 आपको इतना ही काम करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा भी आपको समझ में नहीं आता है तो आइए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, है ना। अब बात आती है इसको आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए भी बता देता हूँ। देखिए ये वाला, ये जो चीज़ है आपके पास ये है ना, ये देख लीजिए अच्छे से, ये वाले क्या आपके पास और ये वाले क्या आपके पास पैरेलल है। अच्छा पैरेलल है तो ये वाला ट्रांसवर्सल का काम करेंगे, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला साइड होगा, फिर से ये वाला एंगल होगा, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, फिर इधर से ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये वाला बीच का कॉमन, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये और ये का आप इक्वल बोल देंगे। दूसरा समझिए, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल हो गए, खत्म बात। देख लीजिए इतनी छोटी सी बात है ना, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो कई तरीके होते हैं, जैसे आपके माइंड में स्ट्राइक करता है वैसे कर लीजिए, घर की बात रहती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट हाँ यू हैव टू एक्सप्लेन द परफेक्ट करेक्ट रीजन, क्योंकि बिना रीजन के आपके जो टीचर होंगे स्कूल के वो बिल्कुल ही नहीं मानने वाले, इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आपके स्कूल के टीचर हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के टीचर हो, चाहे कहीं के भी टीचर हो, जब तक आप रीजन नहीं दीजिएगा बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल दीजिएगा पैरेलल लाइन है भैया, पैरेलल लाइन। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, अब बात आती है पैरेलल लाइन है भी तो ये तो टेढ़ा भी तो जा सकता है, आगे तक भी तो जा सकता है ना, ये आगे तक भी जा सकता है, जरूरी नहीं है इक्वल होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या आपके पास पैरेलल है, देख लीजिए अच्छे से, ये लाइन और ये लाइन क्या आपके पास पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये वाले आर्क क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, ये वाला आर्क क्या होंगे इक्वल होंगे, आर्क तो इक्वल होना ही पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो ये आर्क इक्वल है। अब आर्क जो है वो सर्कमफ्रेंस में इक्वल एंगल बनाते हैं, एक ये वाला और इधर से ये वाले, तो कोड भी क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे, वरना सीपीसीटी वाला तो फंडा है ही आपके पास, समझ में आते हैं ना बात, तो ये भी कर सकते हैं आप, ये भी सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं कई तरीकों से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है पी इज ए पॉइंट ऑन सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, कहता है फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट में, ये आपके पास फोर्थ पार्ट था, पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है और पी कहीं पे हमने यहाँ पे ले लिया, लेट से अब हमसे कहा जाता है पी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू रेडियाई ओ एंड वो बी, प्रूव दैट आर्क ए पी इज इक्वल टू बी पी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कहता ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी हमारे पास दो रेडियाई हैं और इनसे ये इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट पी, तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो आर्क ए पी है और आर्क पी बी है वो इक्वल है, आर्क ए पी ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, और आर्क बी पी या फिर पी बी ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो मैं इसको मिड पॉइंट प्रूफ कर दूँ या फिर ऐसा प्रूफ करूँगा, देखिएगा ये वाला आर्क और ये वाला आर्क इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये मिड पॉइंट तो पहले से ही है ये, अब आप समझ लीजिए, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाले क्या होंगे आपके पास सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, वैसे इसको बताने की जरूरत नहीं, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क तो वैसे ही इक्वल हो गए, इक्वी डिस्टेंस बोला है ना। यहाँ पे एक चीज और समझ में आएगी, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस नहीं बोला, ऐसे बोला, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बोला इक्वी डिस्टेंस। अब इसको इसको आप क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो वो सीपीसीटी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल आ जाएंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए, ये एंगल आ जाएगा क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, तो इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है,
ठीक है ना। और जब इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो ये वाले आर्क भी क्या हो जाएंगे, इक्वली। तो छोटी छोटी चीजें दे रखी यार, इसमें कहीं पे आपको ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी वगैरह भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में कई बार आता है कॉन्ग्रुएंसी का नाम, वैसे ही फिर तुरंत थ्योरम देखते हैं तो वैसे क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये वाला इक्वल दे रखा कोड, कोड इक्वल है, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे तो आर्क भी इक्वल ही होता है, खत्म, बात हो गया क्वेश्चन। थ्योरम जो आपके एक्सरसाइज पे इसमें दिए हुए हैं, समझ में आ रहे हैं, जो थ्योरम है 1, 2, 3, 4 करके दे दिया ना, उसमें ही गिवन है ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर, चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा इनको अगर करना हो तो, बाकी इसमें कुछ करने लायक तो कोई चीज़ें है ही नहीं अभी तक तो फिलहाल। अब आने वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो उन पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर टू कोड्स, है ना, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर ऐसे, यहाँ पे ए है, यहाँ से सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे आपके पास ई है। इसमें कहा जाता है आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये गिवन है आपके पास, आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, ये चीज़ आपके पास गिवन है। अब हमसे प्रूव करने के लिए कहा जाता है बी इज इक्वल टू ई सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी ई इज इक्वल टू ई सी और ए ई इज इक्वल टू ई डी, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें हैं, ये इक्वल दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। तो समझिएगा आर्क ए बी, आर्क ए बी, तो इसको ना मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, पहले कोड बना देता हूँ, ये वाला आर्क की बात कर रहा है, दूसरा आर्क सी डी मतलब ये वाले की बात कर रहा है, इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, और हमें प्रूफ करना है बी ई सी, बी ई और ई सी, और दूसरा प्रूफ करना है ए ई और ई डी। तो ये और ये ट्रायंगल को अगर मैंने जैसे ही प्रूफ कर दिया ना क्या कॉन्ग्रुएंट, तो सी पी सी टी में दोनों ही चीज़ कह सकता हूँ, दोनों ही चीज़ में सी पी सी टी से ही कह सकता हूँ, तो कॉन्ग्रुएंट, चलिए प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये आर्क इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, वो तो मालूम ही है, और सेंटर पे इक्वल सबटेंड एंगल सबटेंड करेंगे तो ये जो कोड होंगे और ये वाला जो कोड होंगे वो भी इक्वल होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो कोड भी इक्वल हो गए आपके पास, ये वाले और ये वाले आपके पास, अच्छा ये नहीं पता कि ये सेंटर पे बना रहा है ना, तो सेंटर वाली तो बात मैं ले ही नहीं सकता, सेंटर वाली बात तो मैं ले ही नहीं सकता, है ना। तो हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए और कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, चलिए ये वाला आर्क तो इक्वल है ही है ना, तो सेंटर पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पॉइंट जो ई है आपके पास वो सेंटर वाला नहीं है, तो दिमाग थोड़ा सा लगाने की जरूरत है, इस चीज को समझिएगा, ठीक है ना। तो यहां से हम ऐसा करते हैं, हमें जो प्रूफ करना है ये वाला और ये वाला, यहां से हमें एक ही चीज पता है बस, ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, और भी कुछ हिंट गिवन है क्या, जस्ट लेट मी चेक। तो यहाँ से आपके पास और तो कुछ नहीं है प्रूफ करने के लिए, है ना, तो अब चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ए बी और सी डी, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का बस हमारा काम है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का, तो कहीं ना कहीं से सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज़ एक क्लू ढूंढने की जरूरत है जहाँ से हमारे पास कोई सा कोई कॉन्ग्रुएंस का नियम जो है रूल जो है उसे हम अप्लाई कर सकें, राइट। तो चलिए एक तो ये एंगल ये तो पता चल ही चुका है और ये इक्वल है तो ये जो कोड होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो एक चीज़ और ढूंढने की ज़रूरत है हमें बस, और कुछ नहीं। ये पैरेलल लाइन के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना, कुछ भी नहीं बोला गया है। अच्छा इक्वल है तो क्या पैरेलल होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो एक एंगल और ढूंढने की ज़रूरत है या फिर एक साइड और साइड 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 एंगल साइड से तो होगा नहीं फिर, हाँ पता चल चुका है, देखिए फटाफट क्लू मिल चुका है। तो ऐसा कीजिए यहाँ से यहाँ पे ना एक बार ज्वाइन कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ये एक हमने क्या बना दिया, एक सेगमेंट बना दिया, ठीक है ना, और इधर कहीं ना कहीं चाहे ये हो या ना हो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ 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 सेंटर हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, तो सेंटर वाला एंगल छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए ये वाला एंगल बन रहा है और यहाँ से देखिए ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो और ये वाला एंगल होंगे, ये दोनों क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे। दूसरी बात आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, अच्छा क्यों होंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, बता देता हूँ फिर से समझिएगा, ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया सेंटर पे कहीं भी और अगर रहने दीजिए, एक मैंने एंगल यहाँ पे ऐसे बना दिया आपके सामने और एक एंगल मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पे, तो ये एंगल तो इक्वल होंगे ना, स्टार्टिंग में ये चीज़ तो बताया कि यहाँ का एंगल हाफ होता है, ये दोनों हाफ हाफ होंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली ये वाला कोड लेंगे बोले तो ये वाला सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये वाला एंगल बनेगा और यहाँ से आपके पास ये वाला एंगल बनेगा, तो आपको यहाँ पे नेमिंग कर देना है, अदरवाइज डायरेक्टली लिख देना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपके पास। तो आप यहाँ पे देख लिया आपने, ये इक्वल प्रूफ कर दिया, ये इक्वल प्रूफ कर दिया और ये वाला है, तो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास
कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल यार आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता फिलहाल यहाँ पे। तो आपके पास क्या हो गया, सीपीसीटीस बोल दीजिए क्या क्या बोलना था, ये वाला, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये वाले सीपीसीटीस बोल दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म, बात क्वेश्चन ही हो गया, टेंशन ही खत्म, है ना। ऐसे इसके ऊपर पलट कर देंगे, ये इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है इसलिए, है ना, सीपीसीटी से खत्म बात। चलिए क्वेश्चन डन हो गया। तो ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी, 7, 8, 9 और फिर क्या आपके पास 10। चलिए हो गया हमारे पास क्वेश्चन, तो बस थोड़ा सा ही टाइम और लगाने वाला हूं मैं आपके पास और हमारा जो काम है वो हो जाने वाला है। तो चलिए कुछ ही देर में निपटा देंगे इन सबको ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास वो कुछ इस तरह से है, है ना, सारे ही क्वेश्चन इस तरह से आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी है और ऐसे करके जा रहा है सी डी है, यहाँ पे सी है, डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या आपके पास ए बी है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर ओ है, यहाँ पे पॉइंट आपके पास पी है। हमारे पास गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमें प्रूव करना है आर्क ए डी, आर्क ए डी इज इक्वल टू आर्क सी बी, ये वाले इक्वल प्रूव करने हैं हमें। ए डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है ना, तो ये वाली चीज़ है। हाँ बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले तो मैं आपको यहाँ से एक थोड़ा सा दूसरा कलर कर देता हूँ, इस वाले को नोटिस करना आप लोगों को, इस वाले को और इस वाले को, ये ब्लू वाले को देखिए। हमें क्या करना है, अगर मैं इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को इक्वल प्रूव कर दूँ तो बात बन जाएगी ना, बोलिए हाँ या नहीं। तो ये वाले कोड होंगे, ये वाले, ये जो आर्क होंगे ना ए डी और सी बी आर्क होंगे, वो भी इक्वल प्रूव हो जाएंगे। बताइए कैसे, बताता हूँ। देखिए अगर मैं ये वाला, ये देखिए ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके अंदर का ये जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए बी है ना, माइनर सेगमेंट ऑफ ए बी, माइनर सेगमेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनर सेगमेंट ऑफ सी बी, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ऑफ सी बी, देख लीजिए। क्योंकि ए बी, यहाँ से हमें पता चल गया ए बी और सी डी इक्वल है, तो इसके अंदर का ये वाला और इसके अंदर का ये वाला दोनों ही आपके पास इक्वल होंगे, समझ में आते हैं ना बात, क्योंकि कोड आपके पास इक्वल है। अब देखिए इनमें से ये वाला जो पोर्शन है, मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, है ना, ये ब्लैक ही कर देता हूँ, ब्लैक वाला माइनस कर दीजिए दोनों साइड, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट किसका, बी डी इज इक्वल टू माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बी डी। देखिए माइनर सेगमेंट बी डी के, बी डी खुद के इक्वल तो होगा ही होगा, आप कुछ मत कीजिए, इसमें से भी यही चीज़ माइनस कर दीजिए, इसमें से भी यही चीज़ माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक तरीके से, इस तरह से माइनस कर दीजिए, ऊपर वाले में से इसको उड़ा दीजिए। तो देखिए अगर मैं ए बी वाले में से इसको उड़ाता हूँ तो यही तो बचेगा ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो माइनर सेगमेंट बचा मेरे पास, है ना, माइनर सेगमेंट बचा कौन सा, ए डी का, और इज इक्वल टू उधर से क्या बचेगा आपके पास, माइनर सेगमेंट बचा किसका आपके पास, सी बी का। अब क्योंकि माइनर सेगमेंट इक्वल हैं तो उनके जो ये जो आर्क होंगे ये वो भी क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, इसीलिए आर्क ए डी विल बी इक्वल टू आर्क सी बी। लीजिए हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके पास डन है, खत्म बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। कहा जाता है इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल प्रूव दैट इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको क्या करवाता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है ना। ओके देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें कहा जाता है इफ टू साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल प्रूव दैट इट्स अदर टू साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8, तो फटाफट सर्कल बनाते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको बता ही रखा है आपके पास, है ना, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों जो वर्टिसेस होते हैं वो सर्कल के ऊपर लाइक करें, और जो इसकी अगर सर्कल के ऊपर नहीं भी लाइक कर रहा है या फिर कर भी रहा है तो इसकी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी थी जो आपको हमने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए अपोजिट एंगल का सम जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री। मान लेते हैं ये क्या आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके मैंने नेमिंग कर दी ए बी सी डी, तो इसके अपोजिट वाले बेसिकली पैरेलल, बोलते दो साइड का पैरेलल का है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भैया ये और ये पैरेलल होगा, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप इसे इसे पैरेलल कह सकते हैं, नहीं तो आप इसे और इसे भी पैरेलल कह सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, ये और ये पैरेलल लग रहा है, जरा मतलब बनने के अकॉर्डिंग है बात, किसी एक को कह दीजिए आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ये चीज़ क्या आपके पास गिवन है,
और आपको ये प्रूव करना है कि जो बाकी दोनों साइड हैं वो इक्वल है, इक्वल है, ऐसा आपको प्रूव करना है पहले पार्ट में। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या आपके पास इक्वल है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना? तो आइए सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से कर दिया ऐसे ज्वाइन। अब इस वाले एंगल को नोटिस कीजिए और आप इस वाले एंगल को नोटिस कीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बोलिए हाँ या नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाले लाइन क्या पैरेलल है और ये क्या काम कर रहा है ट्रांसवर्सर का, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल हो जाएंगे। अब क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल आपके पास इक्वल है, कहीं ना कहीं अगर आपको मैं एक चीज सही चीज बताऊं तो जो टेंथ में आने वाली चीजें हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर करवाए जा रहे हैं ऑलरेडी। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज के नाम से आपके पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 18 है वो आपके पास टेंथ क्लास में, आरएस अग्रवाल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपके पास इसी टाइप के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है, लगभग 30 के आसपास तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 30 के राउंड, और लगभग 15-17 क्वेश्चन आपके पास सॉल्व एग्जाम्पल में है, थ्योरम उसमें लगभग मिला जुला के 15 थ्योरम है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली बेसिकली बट हाँ हाफ लगभग आपको मैंने यहीं पे इसी में ही कन्वर्ट कवर करवा दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से किया है तो टेंथ क्लास में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको इसी का हेल्प जो है वो बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है। समझ में आती है ना बात? चलिए तो अब बात आती है यहाँ पे, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सर का काम कर रहे थे, ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे आपके पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो आर्क अगर इक्वल होते हैं तो सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, है ना, क्योंकि ये वाला एक्स है ये वाला वाई है, हमने कह दिया एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप रीजन देंगे, उसके बाद आप कहेंगे तो एक्स का आर्क कौन है? ए बी, तो ए बी का जो आर्क होगा वो उधर से आर्क बोले तो सी डी, या फिर डी सी जो आर्क होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ये बताइए इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये आर्क इक्वल है देयरफॉर इसका जो कोड होंगे ए बी इज इक्वल टू, अगर आर्क इक्वल होते तो कोड क्या होता है आपके पास? इक्वल होते हैं, तो कोड भी क्या हो गया आपके पास? इक्वल हो गए। कोड इक्वल हो गए मतलब ए बी सी डी जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल था वो आपके पास इक्वल आ गया, खत्म, बात टेंशन ही खत्म। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और सिंपली बात आप ये बोलने के बाद आप ये भी लिखेंगे कि एंगल्स मेड बाय एनी आर्क एट द सर्कमफेरेंस आर इक्वल, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं आगे की बात। अब अगली बात क्या रहेगी हमारे पास, दूसरे पार्ट में कहता है इट्स डायगनल्स आर इक्वल, तो डायगनल के लिए एक तो डायगनल ये रहेगा इस क्वाड्रिलेटरल का, दूसरा डायगनल ये रहेगा, तो हमें इन दोनों डायगनल को क्या करना है? इक्वल करना है। और जब भी किसी भी दो ट्रायंगल में कह सकते हैं अगर किसी साइड को इक्वल करना होता था हम उसको क्या प्रूव करते थे? कॉन्ग्रुएंट। अब इसका भी टारगेट रहेगा हमारा कि किसी तरह से कौन कौन सा ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल को भी लेने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको उन दो ट्रायंगल को चूज करने हैं जिनके सेम जगह वाले कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेम जगह जाके चिपक जाए और उसी को हम सीपीसीटी से इक्वल कहते हैं। देखिए मतलब जो डायगनल है वो एक ट्रायंगल में आना चाहिए, मतलब मान लीजिए एक ट्रायंगल में ये जो बी डी या फिर डी बी वो आना चाहिए, दूसरे में ये आना चाहिए, तो मैं ये ले लूँ ये वाला, ये देखिए ये वाला ए बी डी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा वाला ट्रायंगल क्या ले लूँ मैं ए बी सी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? इन दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूँगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सिंपली बोल दूंगा सी पी सी टी से ए सी इज इक्वल टू बी डी, खत्म बात, और डायगनल्स को मैं इक्वल कह दिया, वही तो डायगनल्स है इसको एडिटेड कर। समझ में आती है ना बात? अब बात आती है कैसे प्रूफ करा जाए। तो देखिए हमने अभी यहाँ पे प्रूफ करा ए डी इज इक्वल टू बी सी, और दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी क्या है आपके पास? कॉमन है, और ये वाला आपके पास अबव प्रूव्ड है, खत्म बात। ये दो चीज़ तो आपको पता है, साइड भी पता है, दूसरा साइड भी पता है। अगर मैं इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो तो बात बन जाएगी, तब तो बात बन जाएगी ना। अच्छा इसको अगर मैं ना भी प्रूफ करता हूँ तो ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि एक ही आर्क से बन रहे सर्कमफेरेंस पे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास? इक्वल आ जाएंगे। तो देखिए चीज़ों को समझने की जरूरत है आपको और कुछ भी नहीं,
ठीक है ना। तो ये वाला आर्क आपके पास ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा मैं ये वाला एंगल और ये वाला, यहाँ से ये वाला एंगल, यहाँ वाला ये एंगल भी कह सकता हूँ, तो एंगल साइड एंगल से कह दूंगा। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें, नहीं एंगल साइड एंगल से नहीं, एंगल एंगल साइड से हो जाएगा। तो इस पूरे एंगल को इक्वल ना प्रूव करके मैं दूसरे तरीके से ही कर देता हूँ, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए ऐड करना पड़ेगा दोबारा से। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक ही चीज़ लेता हूँ साइड का, ठीक है ना, इसे भी कर सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा और कुछ नहीं। इस केस में मैं सिर्फ ये वाली चीज़ लेता हूँ, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, अबव प्रूव्ड। अभी हमने यहाँ पे अभी प्रूव करा है ना, AB इज इक्वल टू DC है, AB इज इक्वल टू DC नहीं, दूसरा वाला, हाँ चलिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। मुझे लगा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लिया, तो ये वाला और ये वाला ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से AB और DC है ना, AB and DC, या फिर ये भी कह सकते हैं, ये चीज़ तो गिवन ही थी, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, तो ये और ये तो हमने गिवन तो खैर नहीं था, तो ये वाला लेते हैं, AB and DC लेना पड़ेगा, AB and DC जो हमने अभी अबव प्रूव्ड करा हुआ ये चीज़ है। चलिए हमने ये वाला तो इक्वल प्रूव कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, कौन कौन से दो ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल ही मैंने चेंज करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्राइंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बेस जो है ना दूसरा लेना पड़ेगा हमें। ये वाला बेस फिक्स कर देता हूँ मैं, ये वाला देख लीजिए अच्छे से, इस वाले बेस को मैं फिक्स कर देता हूँ। तो इन ट्राइंगल अब की बार ABC तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एंड दूसरा वाला ट्राइंगल इधर से लेना पड़ेगा, ये वाला BCD, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने, बेस ये वाला फिक्स है आपके पास। अब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस करने की, दोनों को कैसे प्रूव किया जाए। इसमें से आपने ये चीज़ देख लिया, ये वाला और ये वाला क्या आपके पास इक्वल है। अब किसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को नोटिस कीजिए, इसका ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो रहेगा किसके एंगल इक्वल रहेगा, इस वाले एंगल के इक्वल रहेगा। मतलब अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ CDB बोल देते हैं, है ना, एंगल CDB विल बी इक्वल टू एंगल BAC। देखिए रीजन साथ में मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल बोल दिया, लेकिन क्यों बोल दिया, इसको बोल दूंगा मैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देख लीजिए एक ही सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट यहीं से ये वाला बन रहा है और यहीं से आपके पास ये भी बन रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, खत्म बात, समझ में आगे बात। तो चलिए एक साइड हो गया हमारे पास, एक एंगल भी हो चुका है, एक चीज़ और ढूंढ लेते हैं, एक और एंगल ढूंढवाता हूँ मैं, यहाँ से ये वाला एंगल ढूंढ लीजिए, समझ में आ गई ना बात। और दूसरा कौन सा एंगल ढूंढ सकता हूँ मैं, इस वाले में यहाँ से ये वाला एंगल ढूंढ लीजिए, है ना, इस तरह से। अब बात आती है यहाँ पे ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो एक इसका हो गया, अब ये वाला एंगल यहाँ से ये वाला हो जाता है, तक ये से क्या हो जाएगा पता है, एंगल साइड हो जाएगा और इसका भी एंगल साइड हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो मैंने इस एंगल को पहले लिख देता हूँ, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB कर दिया, और इधर से कर देते हैं CBD, एंगल CBD, ये दोनों आएगा आपके पास एंगल। अब इसका क्या रीज़न है वो चीज़ बताते हैं। अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, मैं इधर करवा देता हूँ। मान लीजिए कि एक कोड ये है ना, यहाँ पे करते हैं, एक कोड ये है और एक कोड ये है, ये कुछ एंगल बना रहा है इस तरह से, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये कुछ एंगल बना रहा है कुछ इस तरह से, है ना। तो हमने कौन कौन सा एंगल बोला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल करने को बोला था। अब चलिए देखिए, ये कोड और ये कोड इक्वल है, बिल्कुल सही है। चलिए ये आर्क तो इक्वल था ही था, कोड इक्वल है तो आर्क तो इक्वल है ही, तो ये वाला आर्क ने यहाँ पे एंगल बनाया और इसी वाले आर्क ने ये वाला एंगल बनाया, तो ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो आर्क्स हैं वो क्या इक्वल है, जो सेगमेंट है वो क्या आपके पास इक्वल है। तो इसको हम बोल देंगे कि एंगल मेड बाय इक्वल, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स एट द सर्कमफेरेंस आर इक्वल, समझ में आ गई बात। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इससे क्या हो गया आपके पास, देख लीजिए किसी भी दो ट्रायंगल लिया था ना, उसको नोटिस कीजिए, ये वाला मान लीजिए ये वाला, तो कौन से रूल से हो जाएगा, एक हमने इसको प्रूव करा था, एक हमने इसको प्रूव करा है और एक हमने इसको प्रूव करा है, तो एंगल साइड, तो यहाँ पे बोल देंगे बाई एंगल साइड, है ना। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, है ना, और जो हमने साइड लिए थे वहाँ पे भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब मान लीजिए उसी में ही अगर इन दोनों की बात करो, ये साइड तो इक्वल है ही है, ये कॉमन है, ये इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। इस केस में आपको यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाले फिर भी वहाँ पे ऐड करके और दिखाना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इतना टाइम आपको वहाँ पे भी लगाना ही पड़ेगा, कैसे भी कर लीजिए।
साइड एंगल साइड से हो गए ना, ये वाला कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। तो ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीडी, उसके बाद आप क्या कह दीजिए सीपीसीटी से, तो यहाँ पे क्या देंगे भाई सीपीसीटी एसी इज इक्वल टू बीडी, तो डायगोनल्स को आपने क्या कर दिया इक्वल प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड, खत्म बात। अब जाकर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हुआ है। कहीं ना कहीं टाइम ले लिया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे की जो बात होने वाली है वो सिंपल होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार रीडिंग ले लीजिए क्वेश्चन का, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की रीडिंग नहीं लेंगे तब तक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलने वाली क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ना उसके बाद फिर क्या प्रूफ करना है कैसे करना है वो बताऊँगा तो ईजिली दिमाग के अंदर जाएगा, वरना ऊपर ऊपर से छू के निकल जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के पास। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है उसमें कहा जाता है इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी आर इक्वल कोर्ट्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो यहाँ पे मैं फटाफट क्या करता हूँ बना देता हूँ, ठीक है ना, बना देता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने एक सर्कल बनाया है ना, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सेंटर है तो इसको मैंने ऐसे कर दिया है, यहाँ ए है, यहाँ डी है, और यहाँ पे आपके पास सेंटर ओ है, यहाँ पे ए एफ है, उसके बाद आपके पास जाता है यहाँ से ई पे, यहाँ पे ई पे चला गया, फिर यहाँ पे ई से लेकर डी पे ज्वाइन कर दिया, उसके बाद यहाँ से ऐसे आता है ये, फिर यहाँ से ऐसे आता है ये, है ना, यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर यहाँ पे सी से डी पे जाता है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तो कुछ इस तरह का आपके पास एक फिगर गिवन है, ठीक है, जिसमें आपसे बोलता है कि एंगल डी ई एफ 110 है, डी ई एफ जो है ये पूरा का पूरा 110 डिग्री है, ठीक है। आराम से समझना है इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, हमें निकालना है एंगल ए ई एफ और दूसरा निकालना है एक नंबर में और दूसरे नंबर में आपके पास निकालना है एंगल एफ ए बी, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को इतने ज़्यादा आसानी से कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, बस अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को थ्योरम बताया है ना उस पर थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, समझ में आती है ना बात, ठीक है ना। चलिए एक वीडियो पब्लिश हो चुका है, आगे चलते हैं। तो एंगल ए ई एफ और एफ ए बी, इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एंगल ए ई एफ पे नज़र मारते हैं, ए ई एफ किधर है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, एफ यहाँ है, मतलब यहाँ से हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, अभी मैं समझाता हूँ क्यों। इसी वीडियो में नहीं, लास्ट वाली वीडियो में है ना, लास्ट वाली वीडियो में भी, इस वाली वीडियो में भी है, आप लोगों को मैंने समझाया है कि एक अगर सर्कल है उसका ये अगर डायमीटर है तो ये डायमीटर से इधर एंगल बने या फिर इधर एंगल बने, ये जो एंगल है आपके पास वो 90 डिग्री का होता है। एंगल्स इन द सेमी सर्कल कहते हैं इसको, एंगल्स इन द सेमी सर्कल कहते हैं इसको, समझ में आते हैं बात, एंगल्स इन द सेमी सर्कल कहते हैं इसको। तो हमने एंगल्स इन द सेमी सर्कल की कहानी जो है वो हमारे पास शुरू कर दिया है। तो चलिए आगे की बात करते हैं, ये 90 डिग्री क्या था, यहाँ से देखिए ये डायमीटर था, ये सेंटर था ना, तो ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, इतना वाला पोर्शन कितने का बचेगा 90 का, तो ये कितना बचा 20 बच गया, लीजिए हो गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। बताइए फर्स्ट पार्ट इसका बोले तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब सेकेंड पार्ट के पास चलते हैं। अगर आप सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको निकालना है एफ ए बी, तो एफ यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, ठीक है। तो एफ ए बी, तो ये वाला पूरा एंगल निकालना है आपको, पूरा एंगल, ठीक है ना। अच्छा, हमें और भी यहाँ पे कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन था उसको मैं अभी यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ए बी बी सी और सी डी इक्वल है, ए बी बी सी और सी डी, तो ए बी किधर है, ये वाला, बी सी और सी डी, ये तीनों ही एंगल्स आपके पास इक्वल है। कहीं ना कहीं इन्होंने जानबूझ कर दिया हुआ है कि ये तीनों इक्वल है ना, इसको आप यूज़ कीजिए, तो हम यूज़ ज़रूर करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कीजिए, ए भाई ए भाई ए भाई, ऐसे ऐसे आ, एक दो, इस तरीके से। तो हमने देखे एक एंगल, दो एंगल और एक ये वाला एंगल, तीन एंगल में डिवाइड कर दिया है। ये जो 90 था ना, 90 सिर्फ 90 वाला देख लीजिए, सेमी सर्कल वाला जो एंगल था सिर्फ 90 को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और क्योंकि ए बी बी सी और सी डी इक्वल है, फिर से सुन लीजिए, ए बी बी सी और सी डी इक्वल है, तो इनके ये जो सेगमेंट होंगे वो इक्वल होंगे, है ना, ये वाले, इनके जो ये जो आर्क होंगे ये भी इक्वल होंगे, है ना। आर्क ए बी विल बी इक्वल टू आर्क बी सी विल बी इक्वल टू आर्क सी डी।
अब ये तीनों आर्क इक्वल हैं तो सर्कमफ्रेंस पे वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। क्या करेंगे? वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। तो ये जो 90 होगा वो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आती बात? ये 90 जो होंगे वो तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब चलिए, अगर ये 30, 30 और 30 में हो ही जाएंगे, ऑफ कोर्स इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो ये हमारे पास 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और ये वाला भी एंगल कितना हो गया? 30 हो गया। 30 वे हो गया। अब ऐसा करने का क्या बेनिफिट मिला? मैं इधर बना के आप लोगों को समझाता हूँ फिर से। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, यहाँ से ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ऐसे लेके जाता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लेकर आता हूँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एफ है। देखिए ये वाला ए ई एफ तो आपने निकाल ही लिया था इस तरीके से, ये वाला जो था वो 20 डिग्री था। अब ये वाला जो निकाला हमने 30 डिग्री निकाला, ये वाला ए ई बी, ए ई बी 30 डिग्री निकाला ना, 30 20 50 हो गया ना। अब आप सिर्फ इसको नोटिस कीजिए, ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ मैं इसको, ए बी ई एफ है ना, ए बी ई एफ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, खत्म बात, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ए बी ई एफ एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल पूरा इस वाले एंगल के अपोजिट होगा। तो ये वाला 20 और 30 कितने हो गए आपके पास? 50 हो गए। तो ये कितने का बचेगा? 130 का। लीजिए ये 130 निकल कर आ गया। आप क्या बोलेंगे? एंगल एफ ए बी, गलत, एफ ई बी प्लस में, एफ ई बी और प्लस में एंगल एफ ए बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ दिस, ए बी ई एफ इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता है ये कितना? 50 है, तो प्लस में एंगल एफ ए बी हो जाएगा, है ना, ये 50 उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 130। तो एफ ए बी कितना आ जाएगा? बस 130। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ती, और कुछ नहीं। समझ में आती है ना बात? चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और यू कैन से ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे। मतलब सबसे अगर मैं स्मॉलेस्ट चैप्टर की बात करता हूँ तो आपके पास यही है। हालांकि क्वेश्चन इसमें कहीं ना कहीं अच्छे थे मेरे हिसाब से, आप लोगों के लेवल के हिसाब से जो क्वेश्चन इसमें गिवन है ना, वो क्वेश्चन अच्छे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कंसेप्ट लग रहे हैं ना वो कम्प्लीटली 10th वाली चीज़ों का ना ज़्यादा ही यूज़ कर रखा है इस वाले में। आर्क वार्क ये वाले तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है, है ना। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को और मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मेरे पास एक ये सर्कल है, और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से आता है, फिर 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 कुछ इस तरह से आता है ना। ये वाले इक्वल है, तो इतना ज़्यादा दूर तक मैं लेकर नहीं जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए इजीली। ये वाला ऐसे लेकर जाता हूँ, ये वाला ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, एक पेंटागन है ये बेसिकली। अब हमसे कहा जाता है ए बी बी सी सी डी, फिर से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी। देखिए अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो फटाफट प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिए, साथ ही इस चैनल पर अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ये है हमारे पास बी सी डी 110 है, बी सी डी ये वाला एंगल जो आपके पास वो 110 डिग्री है। उसके बाद बी ए ई, बी ए ई 120 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है। अब इसमें निकालना क्या क्या है वो चीज़ लिख देता हूँ मैं इधर। एक नंबर में निकालना है एंगल एबीसी, दो नंबर में निकालना है एंगल सीडीई, तीन नंबर में निकालना है एंगल एईडी, चार नंबर में निकालना है आपके पास, चार नंबर में निकालना है आपके पास एंगल ईएडी। चलिए अब ये सारे एंगल्स की कहानी हम निकाल देते हैं, फटाफट समझते हैं। हाँ, तो सबसे पहला एबीसी, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये एंगल मैं कब फाइंड आउट कर पाऊंगा? पता है दिमाग ना आपको लगाना पड़ेगा यार, दिमाग जो आपको लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ और मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा और अगर ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ए बी सी ट्रायंगल में ये वाला एंगल निकाल दूंगा। इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करते ये एंगल बच जाएगा, क्योंकि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपके पास? 180 डिग्री होता है ना।
तब बात आती है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, उस चीज पे थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि पेंटागन दे रखा है, पांच पांच साइड उनके वर्टिसेस आपके पास सर्कल पे है, तो मैं किसी भी चार वर्टिसेस को सर्कल के रख के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना के अपना काम बना सकता हूँ। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इस वाले कंसेप्ट को लगाकर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ मैं, इस तरह से ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए ना। देखिए अब बना तो मैं कोई सा भी चार वाले सकता हूँ, कई बन जाएंगे इसमें तो, लेकिन कौन सा लेना है वो ज़्यादा मैटर करेगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैंने कैसे लगाया कि यार मुझे इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का काम है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँ या फिर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करूँ। बात एक ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ए बी सी और डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने यहां पे कह दिया कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर ये वाला एंगल पूरा 110 है, तो इसका ऑपोजिट वाला एंगल ये वाला बनेगा, ये टोटल तो 120 है, नो डाउट ये वाला 120 है टोटल, बट मैं फिलहाल इसकी बात करूंगा क्योंकि ये वाला एंगल बनाएंगे, ए बी सी डी में सिर्फ ये होगा और ये वाला होगा। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 70 डिग्री हो जाएगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अब क्योंकि ये जो चीज है आपके पास, क्योंकि ये जो चीज है वो आपके पास 70 डिग्री का है, और आपको एक चीज और नोटिस करवा देता हूँ, हमें ए बी, हमें बी सी और सी डी भी बोल रखा है, सी डी भी, ये तीनों ही साइड आपके पास इक्वल दे रखे हैं। ए बी, बी सी और सी डी जो आपके पास, तीनों ही साइड आपके पास इक्वल है, कोड बेसिकली इक्वल है। तो देखिएगा ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला और यहां से ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। बताइए क्यों, क्योंकि ये वाला कोड और ये वाला कोड क्या इक्वल है, तो ये वाले आर्क, बी सी आर्क और सी डी आर्क इक्वल होंगे। बी सी का जो आर्क होगा और जो सी डी का आर्क होगा वो इक्वल होंगे, बिकॉज रीजन में दे देंगे आप, बी सी और सी डी क्या आपके पास इक्वल है ना, कोड इक्वल है, तो उनके आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब क्योंकि आर्क इक्वल है तो सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, मतलब अगर ये टोटल 70 है, बनाते कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं, अगर ये टोटल आपके पास 70 है तो ये वाला आपके पास 35 बचेगा और ये वाला भी आपके पास 35 ही बचने वाला है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, दिस एंगल इज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ये स्टेटमेंट रहेगी बेसिकली आपके पास। तो ये मैं बोल देता हूँ क्योंकि लिखने में कहीं ना कहीं टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो आप उसको लिख लिया कीजिए, जो जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा गौर करके, समझ में आ रही ना बात। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये अगर 35 पता चल चुका है तो मैं ये वाला निकाल सकता हूँ, फिर मुझे ये इजीली पता चल जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल तो वैसे भी आपके पास निकला पड़ा है, बताइए कैसे है, मैं सीधा लिख देता हूँ 35, बताता हूँ कैसे। देखिए ए बी और बी सी तो इक्वल है ना, तो ए बी सी ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड इक्वल है। अच्छा एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये साइड इक्वल है, इसके अपोजिट वाला ये एंगल, इसके अपोजिट वाला ये एंगल, दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, इफ दिस एंगल इज 35 दिस एंगल विल ऑल्सो बी 35, खत्म बात, ठीक है ना। ये 35। देखिए अब यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, छोटी छोटी चीजें, ये 35 70 हो गया, ये कितने का बच गया, 110 का, खत्म बात, एंगल सम प्रॉपर्टी और कुछ नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। चलिए ये 35 कितना हो गया, 70, कितना बच गया, 110, ये हो गया। लीजिए ABC जो निकालना था 110 डिग्री निकाल दिया आपने, आगे चले। चलिए दूसरे की बात करते हैं, CDE, सी कहाँ है वो देखिए, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, मतलब ये वाला पूरा लेना है, ये पूरा निकालना है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सिंपली बात करता हूँ ACDE वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो इसको अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, खत्म बात, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, हो गया क्वेश्चन, देख लीजिए ऐसे से। तो यहाँ से देखिए ये वाला 35, ये 35, ये वाला कितने का बचा था, ये टोटल 120 का था, तो ये 70 का था, तो ये वाला कितने का बचा होगा, देख लीजिए अच्छे से, है ना। ये वाला आपके पास, ये वाला कितने का था आपके पास, पूरा का पूरा 120 का, तो यहाँ से यहाँ तक 70 है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या 70 है, तो ये टोटल 120, तो ये वाले कितने के बचे होंगे, 50 का बच गया होगा ना, तो ये वाला सिंपल 50 का है और ये वाला 35 का, हमें इसकी बात करनी थी, ये वाला एंगल पूरा कितना हो गया, ये 85 डिग्री का एंगल बन चुका आपके पास, कितने का बन चुका आपके पास, 85 डिग्री का एंगल बन चुका है। अब क्योंकि 85 का है तो दिस एंगल, बोले तो एंगल EAD, एंगल EAC बेसिकली, EAC ठीक है, और प्लस में उधर से CDE,
सी डी ई मिलाकर 180 डिग्री होंगे, और क्योंकि ये पता है मेरे पास 85 डिग्री है, तो एंगल सी डी ई जो होगा आपके पास वो 180 में से माइनस कर देंगे एंगल सी डी ई को, मतलब इसको इधर रखेंगे इसको उधर भेज देंगे, तो 180 में से माइनस हो जाएगा 85, तो कितना बन जाएगा 95 डिग्री। लीजिए ये भी आपने 95 डिग्री निकाल दिया। अब आगे चलिए अगले की बात करते हैं, ए ई डी की। ए ई डी किधर है? ए यहाँ है, ई यहाँ है, डी यहाँ है। अब हमें इस वाले एंगल की बात करनी है भाई, है ना, अब हमें इस वाले एंगल की बात करनी है और कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं अब इस वाले एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए ये वाला था हमारे पास 50 डिग्री है, ये नो टेंशन है ना। अब हम किसी तरह से चाहते हैं कि ये वाला, ये जो छोटा सा एंगल है ना वो पता चल जाए। जैसे मुझे ये छोटा सा एंगल पता चल जाएगा तो ई ए डी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं फटाफट ये वाला एंगल निकाल दूंगा, है ना। तो अब बात आती है ये वाला एंगल कैसे पता किया जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम, अच्छा ये टोटल कितना निकाल दिया हमने 95 का, ये टोटल का टोटल जो एंगल है आपके पास कितने का है, आपके पास 95 का है, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये एंगल, अच्छा ये एंगल है क्या, ये एंगल निकला पड़ा है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब इधर से नोटिस कीजिए, ये एंगल पूरा का पूरा कितने का है, 110 डिग्री का है, तो ये छोटा वाला पिद्दा सा बच्चा कितने का है, 35 डिग्री का है। तो 110 में से अगर हमने 35 हटा दिए तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, है ना। तो 35 वैसे कम कर देते हैं, 75 बचेगा, है ना। 110 में से 10 हटाइए, 110 में से 35 हटाने ना, पहले 10 हटाइए, कितने बचे, 100 बचे, है ना। उसके बाद 25 और हटाने हैं तो 75 बचे, 75। तो ये वाला एंगल जो छोटा, ये पूरा तो 110 था, ये पूरा का पूरा 110 था, लेकिन ये कितना है, 75 है। तो ये वाला जो एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, है ना। अब ये सी डी तो साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए सिर्फ दिमाग में स्ट्राइक करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को देखें तो नोटिस करें तो बहुत ही ज़्यादा आसान आसान सी चीज़ें हैं। तो अगर ये 75 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा आपके पास, 75 का नहीं, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये 75 तो 105 ये हो जाएगा, तो 105 आपने इसको भी निकाल दिया। देखिए दिमाग लग, अब देखिए माइंड में स्ट्राइक नहीं करती है चीज़ें, सीधी सी बात बताऊं, डायरेक्टली एक ही बार में स्ट्राइक नहीं करती है। अभी मैं इस वाले एंगल को निकालने जा रहा था, तब मैंने सोचा था ये निकाल लूंगा, लेकिन मेरा दिमाग जैसे इधर घुमा, इधर जैसे नजर पड़ी यहाँ पे, यहाँ से काम बन सकता है इजीली, तो वहां मैं क्यों अपना मत्था क्या कहते हैं उसको खराब करूं, समझ में आ रहे हैं बात। नेक्स्ट आपके पास ई ए डी, ई कहाँ है, यहाँ, ए यहाँ, डी, अरे ये तो पहले से 50 डिग्री निकला हुआ है, लीजिए ये आपसे, आपके पास पहले ही निकाल दिया हमने 50 डिग्री, बाकी को निकालने के चक्कर में, है ना। देखिए इसको करने के और कई भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया वो मैं करता चला गया। आप अगर दूसरे मेथड को सिर्फ थ्योरम सही चीजें अप्लाई करते जाने हैं आपको सही आंसर्स मिलते चले जाएंगे, बिंदास रहिए, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर से कहता हूँ, अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, साथ ही अगर आप एक चैनल पर नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो मैं हमेशा से कहता हूँ आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ कंस्ट्रक्शंस पार्ट को छोड़कर आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, आपका जो सिलेबस है वो फिनिश हो चुका है, यही एक लास्ट रह रहा था, तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसको भी करवा देंगे किसी दिन, है ना। तो बस आप लोगों को जो काम रहता है वो रिवीजन करने का, जो रिवाइज करने का सिस्टम रहता है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया ना, बस सब कुछ छोड़ दिया आपने, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखिए कंसेप्ट आ जाना, दो चार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ओके, उससे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छे से रिवीजन करना, जितनी भी चीज़ें आपको चैप्टर में करवाए गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप क्या करते हो पता है, एक चैप्टर करते हो पिद्दा से, एक छोटा सा चैप्टर करते हो, उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस करते हो, गया समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चंस जब सारे चैप्टरों को एक साथ मिलकर आता है आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कौन सा चैप्टर किस एक्सरसाइज का, उसमें भी आप कन्फ्यूज हो जाते हो, कौन से चैप्टर का है उसमें भी आप कन्फ्यूज हो जाते हो, तो उसके लिए क्या करनी जरूरत पड़ेगी, यस, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चंस, और वो आपके पीछे गिवन है। मैं कुछ ही दिनों में आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों की जो रिवीजन हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा पेपर जो है वो लाकर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ रहेगा आपके पास वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा, जय हिंद।